अगर हम डायरेक्ट बुलडोजर चला देंगे तो फिर संविधान की जरूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है इंडिया में? ये ना संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, हर चीज़ पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तानाशाही बोल सकते हैं इसको कि हमारी बहुमत है तो हम जी करो किसी के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, तो बिल्कुल सरासर गलत है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं आया हूं नोएडा के एक सेक्टर में जहां पर बात होगी लोगों से बुलडोजर और संविधान को लेकर के, आखिर संविधान में क्या कानून लिखे, आईपीसी सीआरपीसी क्या कहती है, वहीं सरकारों की और अधिकारियों की जो कार्रवाई है बुलडोजर वाली उस पर जनता क्या सोचती है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से माँ बेटी की मौत हुई है उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं इस बुलडोजर वाली कार्रवाई और इस परंपरा को लेकर। हमारे साथ एक भाई है, उनसे हम पहले सबसे पहले पूछेंगे क्या सोचती हैं आप, ये जिस तरह से सरकारें बुलडोजर का योगी राज में जिस तरह से इंट्रोड्यूस की गई है बुलडोजर, और बुलडोजर कुछ भी अपराध हो उस पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, और जिस तरह से कानपुर में घटना हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो जी, जो चल रहा है ये तो गलत चल रहा है। बुलडोजर चलाना है तो पहले संविधान से, जो संविधान में वो तो होना पड़ेगा ना। तो ये जो भी है कि एकदम बिना कुछ सोचे समझे बिना सुने एकदम तो बुलडोजर चला दोगे, ये कानपुर देहात का है या जगह जगह के मामले, एक हमारे यहाँ भी हुआ है, ये जिला बुलंदशहर में ग्राम बरकातपुर में पानी की टंकी लगाने के लिए LMC जमीन है, खड़ी फसल जोत दी, स्टे ऑर्डर भी है, फिर भी वहाँ पर बुलडोजर चला दिया, नलकूप तोड़ दिया, इतना कहने के बाद भी ना कोई प्रशासन देख रहा है ना कुछ कर रहा है, उसके बाद भी डायरेक्ट सीधा जो है बुलडोजर चला देना, किसी की कोई सुनवाई नहीं। जो वीडियो बनाते हैं तो लोग वहाँ फिर क्या करते हैं, उनका उल्टा केस लगा कर बुलडोजर चला रहे हो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसे करके सब कुछ कर दिया जाता है। मतलब ये लग रहा है आपको कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये किताबों में तो कहीं लिखी नहीं, कानून की किताबों में नहीं, संविधान में कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले 3-4-5 सालों में जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर कुछ है, लग रहा है कि इस पर कुछ बदलाव होना चाहिए, किसको संज्ञान लेना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव लेना चाहिए जी, बुलडोजर बिना किसी के जो संविधान में लिखा वो होना चाहिए ना, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना कुछ सोचे समझे सीधे बुलडोजर चला दो, ये तो कहाँ, ये कहाँ का न्याय है, कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे कि आखिर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार ये बुलडोजर, पहले तो वाहवाही हुई लेकिन अब जिस तरह से माँ बेटी की मौत हुई है उसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? जो है संविधान में जो लिखा हुआ है हमारा देश उससे चलना चाहिए, जो भी संविधान में रखा है, बुलडोजर कार्रवाई गलत है, हर चीज़ पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए संविधान के हिसाब से, जो हमारा कानून कहता है उसके हिसाब से होना चाहिए बस। ये जो तमाम लोग जो ऐसे थे, जो गुंडे थे, बदमाश थे, उनके ऊपर बुलडोजर चले उस पर क्या सोचते हैं आप, उनके ऊपर सही है या केवल ऐसे ही उसमें नहीं होना चाहिए? देखो गुंडे वो जो है उनके ऊपर तो कार्रवाई जो है होते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हर चीज़ को बुलडोजर से करेंगे वो चीज़ गलत है। देश हमारा सिर्फ संविधान से चलना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, देखिए अब इनका कहना है कि संविधान से चलना चाहिए, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, लगातार अपराधियों पर हो रही, लेकिन अब एक मासूम जो भूमिहीन था, जो परिवार था, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई जिसमें माँ बेटी खत्म हो गई, और उसमें बड़ी लापरवाही DM और SP से लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिला। आप क्या सोचते हैं कि बुलडोजर ये सही चल रहा है या कुछ और इसमें परिवर्तन होने, क्या विचार है आपका? नहीं, बुलडोजर देखिए सही नहीं है, हमारे पास संविधान है, हम संवैधानिक तरीके से भी कार्रवाई कर सकते हैं, डायरेक्ट बुलडोजर चला देना ये सही नहीं, हमारे पास कोर्ट है, संविधान है, हम उसका उपयोग करते हुए जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे पास संविधान है। जब अगर हम डायरेक्ट बुलडोजर चला देंगे तो फिर संविधान की ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है इंडिया में? तो ये बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट किसी के ऊपर बुलडोजर चला देना, गुंडा भी है वो भी है, बट उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए, संविधान है हमारे पास, उसमें कानून है उसके लिए, तो उसके तरीके से हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है सरकारों की तरफ से, जिसका बहुमत हो गया उसकी मनमानी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, ये एक तरह से मतलब क्या बोल सकते हैं, तानाशाही बोल सकते हैं इसको कि हमारी बहुमत है तो हम जी करो किसी के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, तो बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं लोगों की, अब उसको लेकर के और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे हम। अच्छा, आप जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो रही हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में योगी सरकार में फेमस हो गया कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत अच्छी हुई, लेकिन जो कानपुर में जो घटना हुई उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर देश कानून से चलेगा या फिर ये बुलडोजर की कार्रवाई कहीं भी केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए, क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा, क्या या ऐसी खबरें पढ़ करने के बाद आपको क्या विचार आता है कि क्या हो रहा है देश में? नहीं, ये चीज़ तो खैर गलत हुआ है। देश जो है हमेशा कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून का सरासर जो है अधिकारियों ने वहाँ उल्लंघन किया है, और अधिकारियों ने उसका उल्लंघन किया है, उस कानून का दुरुपयोग किया है, इससे जो है सरकार की छवि और कानून की छवि खुद ही ख़राब हो जाती है, इससे जो है छवि सुधरने वाली नहीं है। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसे चीज़ों पर सरकार को सख्त से सख्त
इस पर जो है इनका कदम उठाना चाहिए कि ऐसे गलत काम ना हो। अच्छा, ये अधिकारियों की मनमानी का भी एक बात आ रही है कि अधिकारियों की मनमानी जो है वो भी शुरू हो गई, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कि क्या कहना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जो अधिकारियों की जो मनमानी की बात आ रही है, तो वो सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत ये वो चल रहा है, और वहाँ पर अधिकारियों की मनमानी भी देखी जा रही है कि वो कहीं भी ले जा करके, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि किसी भी गरीब के खोखे पर, किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलना चाहिए बुलडोजर, केवल अपराधियों पर करना चाहिए, उस पर क्या सोचते हैं? सीएम योगी जी ने कहा था, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का खुद आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का खुद आदेश है कि ऐसे बगैर बताए किसी की झुग्गी जो है पुनर्वासी झुग्गी को हटाया ना जाए, या तो उसको पुनर्वास में बसाया जाए तब उसके झुग्गी के या उसके स्थान को हटाया जाए। तो ये तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश में लिखा है। अब रही बात शोषण की बात है, शोषण की बात तो एक तो खाली कानून जो है खाली कागजों में है, इनके सरकार के जब से बीजेपी सरकार आई है, देखिए हम तो ट्रेड यूनियन वाले हैं, हमको राजनीति कोई मतलब नहीं है, हम तो देख रहे हैं जो लेबर बेचारे का, जो गरीब आदमी का पैसा रुका रहता है चार चार साल पाँच, कानून तो बोलता है कि 3 महीने में पैसा मिल जाएगा, आज भी कानून है बोलते हैं जी ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कोई सुनता ही नहीं, क्या ऑनलाइन कोई आदमी करेगा? तो ये तो मैं कहूँगा कि गरीबों के लिए कोई ये सरकार बिल्कुल बेकार है, और कहीं कानून नहीं है, कानून का सिर्फ जो है नाम है, नाम कानून के साथ, हाँ ये है कि कानून बना दिया जी, हेलमेट नहीं लगाओगे तो 1,000 के बदले 4,000 देना पड़ेगा, 5,000, इसमें पुलिस वालों की सीधी सीधी ये जो पैसा है उन्हें उनके कमाई का बढ़ोतरी हो गई है, ये इनका कानून है। अच्छा, और भी लोग हैं, एक चीज़ और देखी जाती है कि अक्सर हम लोगों ने देखता है कि जो नगर निगम है या नगर निगम की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर ज़्यादा होती है, उन्हीं में से एक बाबा हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे हमसे, और ये अपनी जूता पॉलिश की दुकान चलाते हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या सोचते हैं जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं बुलडोजर वाली, और उसके बाद आप लोगों को भी कई बार भागना पड़ता हो छोड़ करके, क्या देख सोचते हैं आप? ऐसा भाई सरकार उनकी है, सुन लो पहली बार, किसी महकमे में देख लो शोर बाजारी कहाँ नहीं है, यहाँ मजदूर आता है सीमा चौड़ा होकर के लेबर कोर्ट पहुँच जाऊँ, मेरी बात समझ रहे कुछ, वो यहाँ बैठ के रोता है, यहाँ बैठ के वो रोता है, आता अपने के संदेह आता चढ़ा जाता है भाई, हमारी बात, हम लोगों के नाम नंबर सब आ चुके हैं, हम लोगों ने दो दो दफे फार्म भर चुके हैं, हमारा फार्म भी आ चुका है मगर हमें जगह नहीं दे रहे। अच्छा, लेकिन जब आपकी जब कार्रवाई आती है, जब जो नगर निगम आते हैं, तब आपकी ये दुकान हटानी पड़ती है आपको? अभी तो नहीं हटाई, हाँ सामान उठाने आते हैं परेशान करने, बोलो क्या करो, क्यों कौन सा महकमा है बचा हुआ बताओ। तो ये जो मिले जुले रिएक्शन है लोगों का, कुछ लोगों का साफ कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो गलत है, अगर कोई कार्रवाई कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर से जिस तरह से आम लोगों को परेशान किया जाता है, जो मनमानी की जाती है, उसमें ब्रेक लगना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे बाकी अपडेट्स के और खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ, नमस्कार।